गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द चैप्टर द मॉडर्न डायनेस्टी, दैट इज चैप्टर नंबर 13 फ्रॉम योर हिस्ट्री पोर्शन. सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट चंद्रगुप्ता, बिंदुसार, अशोका एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न डायनेस्टी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सोशल कंडीशन, दैट वट काइंड ऑफ सोशल कंडीशंस वर देयर एट द टाइम ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी, वट काइंड ऑफ सोसाइटी वॉज देयर, वट वर द प्रैक्टिसज दैट वर गोइंग ऑन इन द सोसाइटी. सो स्टूडेंट, सोशल कंडीशन. The life of people was peaceful and prosperous in the society. So people at that time, they were living a life that was peaceful, tranquil, calm and prosperous. You know, they were prosperous. They were successful in their areas. Varna and ashram systems of Rig Vedic period were in practice. If you remember, Varnas, Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra. And ashram, brahmacharya, grihast, vanprast, sannyas. If you remember that, we have studied in the chapter, the Iron Age civilization. Most people married within their own caste and followed their parental trade or profession. So inter-caste marriages were not there at that time. Popular marriages were in the same caste only. People lived peacefully and harmoniously with each other and obeyed laws. So law and order kya tha? Properly follow karte the sab log. ओके और पीसफुली रह रहे थे. नो फाइट्स वर देयर. इकोनॉमिक कंडीशन. सो इकोनॉमी कैसी थी? इकोनॉमी कैसी थी? लाइवलीहुड के लिए क्या करते थे? बिजनेस था, एग्रीकल्चर था, क्या था? एग्रीकल्चर वाज़ द बेसिस ऑफ द विलेज इकोनॉमी. सो बेसिकली इकोनॉमी किससे चल रही थी? एग्रीकल्चर से. मैनी डैम्स एंड लेक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड इरीगेशनल फैसिलिटीज़. सो इरीगेशनल फैसिलिटीज़ के लिए, सिंचाई के लिए डैम्स वर देयर. इवन लेक्स वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड. किनाल्स वर ऑल्सो डग. सुदर्शन लेक बिल्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द इरीगेशन सिस्टम दैट वॉज प्रिविलेंट एट दैट टाइम. सो केनाल्स वर ऑल्सो देयर एट दैट टाइम. And Sudarshan Lake was also there that was built by Chandragupta Maurya. That is a good example of irrigation system of that time. The state also gave financial help to the cultivators and traders. So you know, traders or cultivators ko jo state administration thi, rulers thi, they also used to help. Proper attention was paid to cattle rearing and pastures. So कैटल्स को कहाँ चारा खिलाया जाए, यू नो, प्रॉपर अटेंशन वॉज बींग पेड. एवरीथिंग वॉज क्वाइट सिस्टमैटिक. फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल्स, माइंस एंड नेचुरल रिसोर्सेज वर कंसिडर्ड एज पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट लॉज. सो यू नो, वाइल्ड एनिमल्स, माइंस, यू नो, दीज थिंग्स वर ऑल्सो टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट. Heavy punishment was given to those who cut down green trees. So at that time also people knew the importance of greenery. They knew the importance of green trees. So if anyone cut down a green tree, that person used to get a punishment. Promotion of trade was ensured by government officials. सो ट्रेड वॉज ऑल्सो प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट. ट्रेड को बढ़ावा कौन देता था? गवर्नमेंट. कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट प्रोडक्ट्स वर द मेन आइटम्स ऑफ इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड. सो दीज वर द मेन आइटम्स दैट वर बींग यूज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड. द ट्रेडर्स हैड टू पे वेरियस टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. देयर प्रोडक्ट्स वर थॉरली चेक्ड. काशी, कलिंगा एंड मदुरई वर द मेन सेंटर्स फॉर टेक्सटाइल. टेक्सटाइल क्या होता है? क्लोदिंग्स, कपड़ा, ठीक है, क्लोदिंग इंडस्ट्री, दैट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ कहाँ थी मेनली? काशी, कलिंगा और मदुरई में. स्पाइसेस एंड आइवरी गुड्स एक्सेट्रा वर मेन आइटम्स फॉर एक्सपोर्ट्स. स्पाइसेस और हाथी के दांत से बनी हुई चीज़ें, वो आइवरी जिसको बोलते हैं, वो क्या थी? एक्सपोर्ट की मेन आइटम्स थी. Along with taxes, tribute was collected in the form of goods. Tribute is believed to be willing or volunteer donation. So what is a tribute? That is a donation. So tribute people used to give these things also. Art and architecture. Ab art aur architecture kaisa tha?
फाइव टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स वर प्रिवेलेंट ड्यूरिंग दैट पीरियड. देखो आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर मीन्स किस तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क्स किए जाते थे उस टाइम पे. तो उसमें से क्या थे, मेन क्या थे, पैलेसेस, स्तूपाज, केव्स, पिलर्स, रॉक एडिक्ट्स. ठीक है, ये चीज़ें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्ट की जाती थी. अब देखो स्तूपा क्या होता है, अस्तूपा इज अ, देखो पैलेसेस तो आपको पता है महल होते हैं, केव्स भी आपको पता है जो ऐसे खोद के पहाड़ को खोद दिया अंदर तक, गुफा बना दी, केव बना दी, उसमें इंस्क्रिप्शन, उसमें कुछ यू नो एनग्रेव कर दिया. पिलर्स भी आपको पता है, यू नो द एग्जांपल ऑफ अ पिलर इज गिवन ओवर हियर. एंड देन रॉक एडिक्ट्स, रॉक्स पे, बड़ी बड़ी रॉक्स पे एनग्रेव करना. अब स्तूपा, व्हाट इज स्तूपा, स्तूपा इज अ बुद्धिस्ट टेम्पल. इट इज़ फेमस एज अ स्पिरिचुअल मॉन्यूमेंट. सो बुद्धिस्ट टेम्पल इज नोन एज स्तूपा, और इसको क्या कहेंगे, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने वाला मॉन्यूमेंट. इट हैज़ अ डॉम और अ पैगोडा वेयर द सेक्रेड रेलिक्स ऑफ एनलाइटन्ड बीइंग्स एंड रिलीजियस टेक्स्ट आर कैप्ट. डॉम शेप कौन सी होती है, जैसे हमारे मंदिरों में भी होता है, जिसको जैसे आप मंदिर में जब जाते हो ऊपर देखते हो ऐसे छत होती है ना, ऐसे ओवल शेप जैसी सी, वो होती है डॉम शेप. और पैगोडा क्या होता है, यू नो अब मैं पूरा तो नहीं बना पाऊँगी, इस तरह की शेप ऐसे साइड्स में निकाली होती है छत पे से, ठीक है, इस तरह से. ओके, एंड अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर जो इस इन चीज़ों को बताती हैं. केव टेम्पल्स आर कॉल्ड विहाराज एंड प्रेयर हॉल्स आर नोन एज चैत्यास. सो द पैलेस ऑफ अशोका वॉज एक्सक्यूजिटिवली beautiful. Faiyan, a Chinese traveler, was astonished to see it and remarked that the palace must have been constructed by God, not by men. So the palace of Ashoka was so beautiful, it was so beautiful that Faiyan, who was a Chinese traveler, he was, you know, surprised, he was shocked to see the beauty, and he said that human beings are not able to make it. It must be constructed by the God. The stupa of Sanchi and its gateway is the best example of architecture of that period. So Sanchi stupa and the way to Sanchi stupa, that is the example of the great architecture of that period. The Mauryan rulers dug many caves for the monks to live in. So Mauryan rulers, they dug many caves for the monks also. Monks कौन होते हैं, जो बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं, अपना सब कुछ बुद्धिज़्म के लिए छोड़ के उसी में लग जाते हैं. Such caves have been found in Barbar and Nagarjuna hills and Yakshi at Didarganj near Patna. The finest examples of architectures can be seen in the form of stone pillars with shining surfaces. You can see in the picture, these are the stone pillars that were constructed at that time. Their surface is very shiny also. These pillars were crowned with animal figures and dharma chakra. The top of a stone pillar, top pe kya hota hai, with four lions, and a dharma chakra has been adopted as our national emblem. So you can see this is adopted as our national emblem also. Ashoka's pillar can also be seen in Firoz Shah Kotla in Delhi. So these are made in Firoz Shah Kotla Delhi, wahan bhi kya hai, a pillar that is constructed Ashoka's pillar, theek hai, unhone hi banwaya tha. Topra, that is Ambala, Kaushambi, Allahabad, Loria, that is Nandgarh, Sarnath, UP and Sanchi also have such pillars. So, इस तरह के बहुत सारे pillars हैं. ठीक है students? Do you know the seal of the four lions, you can see here. National emblem can be seen on all official papers, notes and coins of India. This is so very important. So, students, up to here only we will study today. Revise the chapter thoroughly. Thank you. Have a nice day.